राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गाजा में 4 भारतीय हैं और उन्हें निकालना आसान नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जैसे ही हालत निकालने लायक होंगे उन्हें सुरक्षित लाया जाएगा। सरकार की तरफ से गुरुवार को कहा गया है कि ऑपरेशन अजय के तहत 5 फ्लाइट में 1200 लोग वापस आए हैं। इनमें से 18 नागरिक नेपाल के भी हैं और फ्लाइट भेजने का प्लान चल रहा है। परिस्थिति का जायजा लिया जा रहा है। गाजा में पहले तकरीबन 4 लोग थे लेकिन हमारे पास पुख्ता आंकड़े नहीं हैं। वेस्ट बैंक में 12-13 लोग थे। गाजा में स्थिति ऐसी है कि वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भारतीय की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। साथ ही गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आपने पीएम का ट्वीट देखा होगा। पीएम ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और परिजनों से संवेदना व्यक्त की। भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है। फिलिस्तीन मसले पर हमने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हुए गाजा और फिलिस्तीन को मदद के मुद्दे पर अरिंदम बागची ने कहा कि 2000 से 2023 तक भारत ने लगातार फिलिस्तीन की मदद की है। 29.5 मिलियन डॉलर की मदद भारत की तरफ से की जा चुकी है। विदेश मंत्रालय ने इजराइल हमास युद्ध से उत्पन्न समग्र स्थिति पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमने इजराइल पर हुए भीषण हमले की कड़ी निंदा की है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।